हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे जीत ऑन ट्यूब के यूट्यूब चैनल पे। तो हाँ जी दोस्तों, हमारे जीत ऑन ट्यूब चैनल पे हम ऑलरेडी आपको एक दिन पहले बताते हैं कि हमारा जो शेड्यूल है वो आपको ऑलरेडी 24 घंटे पहले या एक दिन पहले आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, इंस्टाग्राम चैनल के माध्यम से और साथ में व्हाट्सएप के स्टेटस और ग्रुप के माध्यम से हम आपको ऑलरेडी जो क्लास होने वाली है नेक्स्ट, वो पहले ही आपको ऑलरेडी हम लोग बता देते हैं। तो हाँ जी दोस्तों, आज की जो क्लास है वो होने वाली है हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के डिजीज पोर्शन की, जो कि है पहली हमारी लेप्टोस्पायरोसिस और साथ में जो हमारी नेक्स्ट डिजीज रहेगी वो रहेगी हमारे यहाँ पे प्लेग। दोस्तों यहाँ पे दो डिसीज के बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, पहली लेप्टोस्पायरोसिस और दूसरी हमारी प्लेग। उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे जीत ऑन ट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो जीत ऑन ट्यूब चैनल को सब्सक्राइब वाले बटन पे जो नीचे है उसको प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में उसके राइट साइड में बेल आइकन भी है, उसको भी प्रेस कर दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करिएगा, ताकि ऐसी नोटिफिकेशन, इंपॉर्टेंट वीडियोज और अपकमिंग वैकेंसीज के अलर्ट आपको हमारे जीत ऑन ट्यूब के चैनल के माध्यम से सबसे पहले नोटिफिकेशन के द्वारा मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अपन स्टार्टिंग करते हैं अपने डिसीज के बारे में। तो हमारी पहले जो डिसीज है दोस्तों, वो है लेप्टोस्पायरोसिस। ठीक है, लेप्टोस्पायरोसिस कौन सी डिसीज को अपन बोलते हैं? अगर किसी एनिमल, जो कोई भी एनिमल जो इन्फेक्टेड है उससे हमें क्या हो सकता है? लेप्टोस्पायरा हो सकता है। ठीक है, लेप्टोस्पायरा से हमारे इन्फेक्शन से हमारे लेप्टोस्पायरा डिसीज हो सकती है। अब ये एनिमल इन्फेक्शन कैसे? जैसे कि कोई भी एनिमल है, खास करके मोस्ट कॉमन उसके जो यूरिन है ना, उसके द्वारा हमें क्या है, लेप्टोस्पायरोसिस हो सकती है। उसका यूरिन जो है हमारे हमारे टच में आ जाए, या फिर उसका यूरिन जो है वाटर या फिर किसी खाने में कंटामिनेटेड हो जाए, मिक्सअप हो जाए, उसको हम लोग टच कर ले, तो उसके थ्रू हमें क्या है, लेप्टोस्पायरोसिस हो सकता है। बाकी ये दोस्तों लेप्टो ये स्पायरोचिट से क्रॉक स्क्रू शेप का रहता है। कैसा शेप का रहता है? क्रॉक स्क्रू शेप का रहता है। हमें यहाँ पे क्या है, स्टार मार्किंग करके लिख लेंगे। बाकी के दोस्तों, ये जो विल्स डिसीज आपको दिख रही है ना, ये विल्स डिसीज जो है लेप्टोस्पायर की जो है वो दूसरा नाम है। यहां पे मैं लिख देता हूं, आल्सो नोन एज विल्स डिसीज। ये क्या, इज वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ ह्यूमन लेप्टोस्पायरोसिस। ठीक है, विल्स डिसीज जो है लेप्टोस्पायरोसिस को ही बोलते हैं। साथ में दोस्तों, अगर मैं ट्रांसमिटेड की बात करूं तो एनिमल यहाँ पे बहुत होंगे, लेकिन जो मेनली जो एनिमल है मैं वो अपना जो रैट के बारे में बात करते हैं, यानी कि हाँ जी दोस्तों, जो जुआ है उससे हमें जो है लेप्टोस्पायरोसिस हो सकता है, उसके यूरिन से, जिससे कि इन्फेक्टेड हो, या उसका यूरिन जो है वाटर में मिक्सअप हो जाए, खाने मिक्सअप हो जाए, वो हमारे कॉन्टेक्ट में आ जाए उससे। बाकी दोस्तों, इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूं तो 10 डेज रहता है, और ड्रग ऑफ चॉइस की बात करूं, DOC ड्रग ऑफ चॉइस की बात करूं तो दोस्तों पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के बारे में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, इसके जो फाउंडर थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे, और फर्स्ट जो एंटीबायोटिक थी वो कौन सी थी? पेनिसिलिन थी। ठीक है, तो ये था दोस्तों हमारा कौन सा, लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में। थोड़ा ही शॉर्ट रिव्यू है, लेकिन इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे बता दिया। एक विल्स डिसीज बनेगी, इसको यहाँ पे स्टार मार्किंग करेंगे, और क्रॉक स्क्रू शेप का रहता है हमारा क्या, लेप्टोस्पायरोसिस का जो है वो शेप का रहता है बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये इन्फेक्शन कॉज बाय लेप्टोस्पायरोसिस, ये होगी आपकी पूरी लेप्टोस्पायरोसिस के बारे में। अब हम नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों हमारे जो प्लेग है उसके बारे में। तो हाँ जी दोस्तों, जो हमारा नेक्स्ट है वो हमारा नेक्स्ट डिसीज कौन सी, हमारी प्लेग डिसीज है नेक्स्ट। तो ये किससे होती है दोस्तों? यस्टीनिया पेस्टिस, इसके द्वारा ये कॉज होते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे आप, स्टार मार्किंग लगाएंगे। कभी आपसे पूछा जाए जो प्लेग जो डिसीज है वो किससे होती है, तो ये स्टेनिया पेस्टिस से होती है। बाकी इसका वेक्टर कौन है मैं बता देता हूँ, वेक्टर कौन है, एक इन्फेक्टेड जो फिलिया है वो इसका क्या है, इसका वेक्टर है। इंक्यूबेशन पीरियड की अगर मैं बात करूं तो बिबोनिक प्लेग जो है वो 2 से 7 दिन का रहता है, सेप्टिसेमिया प्लेग जो है वो 2 से 7 दिन का रहता है, न्यूमोनिक प्लेग जो है वो 1 से 3 दिन का रहता है। लेकिन दोस्तों, इनमें से जो ब्यूबोनिक प्लेग है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, ये हमारा यहाँ पे मोस्ट कॉमन है। ठीक है, कौन सा मोस्ट कॉमन है? ब्यूबोनिक प्लेग यहाँ पे मोस्ट कॉमन है। बाकी ये कैसा है, कोकोबैसिलाई बैक्टीरिया है, और यहाँ पे एक और चीज बता दू, ये कैसा बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव और नॉन मोटाइल। दोस्तों कैसा, नॉन मोटाइल, ग्राम नेगेटिव नॉन मोटाइल बैक्टीरिया है। ठीक है, वो कौन सा, कोकोबैसिलाई बैक्टीरिया। ड्रग ऑफ चॉइस की बात करूं तो कौन सा, स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन। तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या हो जाएगी, स्ट्रेप्टोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, तो बाकी का जो दोस्तों ये प्लेग के बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। बाकी जो अदर जानकारी आएगी वो दोस्तों मैं नेक्स्ट
आगे की वीडियोस में नेक्स्ट आपको जानकारी दूंगा, वो भी बाकी डिटेल्स में, जो खासकर पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, वो मैंने आपको ऑलरेडी इसमें आपकी आज की वीडियो में बता दिया। तो आपकी पहली जो डिसीज थी लेप्टोस्पायरोसिस और सेकंड जो हमारी प्लेग हो जाती है, तो इनके बारे में मैंने कोशिश की आपको इनकी जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जहां से स्टार मार्किंग लगाए क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं वो बताने की। बाकी दोस्तों आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो कृपया वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में दोस्तों एक अच्छे से कमेंट भी छोड़िएगा और अन्य लोगों को तक भी इसको क्या शेयर करना है और स्टूडेंट तक भी शेयर करना है, ताकि इंपॉर्टेंट कंटेंट जो दोस्तों हमारे जीतो यूट्यूब चैनल के माध्यम से वो लोग ले सके, बाकी के डायरेक्ट हमारी वीडियो को भी वॉच कर सके। बाकी के दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारी जीतो यूट्यूब वीडियो को या यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन या अपकमिंग हमारी जो वीडियोस है उसकी नोटिफिकेशन आपको हमारे जीतो यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों हमारी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।